नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में कि सेक्स की सक्रियता को बढ़ाने के लिए, आपकी सेक्स के टाइमिंग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण 5 योगासनों को लेकर आया हूँ। ये बेहद ही महत्वपूर्ण आसन है दोस्तों। इन आसनों को करने से आपकी सेक्स की सक्रियता बढ़ जाती है, आपकी टाइमिंग बढ़ जाती है और आपका सेक्स लाइफ बेटर बनता है। तो दोस्तों, ये 5 योगासन कौन कौन से हैं, इनकी पूरी डिटेल में देने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। सबसे पहला योगा वर्कआउट है हलासना। हलासना को करने से दोस्तों स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में रक्त की संचार की मात्रा में वृद्धि होती है, साथ में उनके गुप्तांगों की मसल्स और नाड़ियों का व्यायाम भी हो जाता है, जिसके कारण उनकी सेक्स क्षमता बेटर बनती है, मजबूत बनता है। ये आसन बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए दोस्तों, इसको करने का तरीका जान लेते हैं। हलासन को करने के लिए पीठ के बल भूमि पर लेट जाएं। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और पीछे की ओर ले जाएं, इस तरह से। इस स्थिति में कुछ देर बने रहें। स्थिति में बने रहना महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। बार बार करने से अच्छा स्थिति में बने रहें। आप इसे 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार तक कर सकते हैं। इसके बाद धीमे धीमे वापस पोजीशन में आ जाएं। अब दूसरा योगा वर्कआउट है जानु सिरासना। जानु सिरासन भी सेक्स को बेटर बनाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण आसन है दोस्तों, क्योंकि इसको करने से पुरुषों की स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, वीर्य दोष, नपुंसकता आदि दोष दूर होने लगते हैं, साथ में स्त्रियों के यौन से संबंधित रोगों में ये बहुत ही लाभ करता है। तो फ्रेंड, ये भी आपके सेक्स की लाइफ को बेटर बनाता है। तो फ्रेंड, आइए इसको करने का तरीका जान लेते हैं। जानु सिरासन को करने के लिए अपने पैर को आगे की ओर खोल लें और एक पैर अपने गुप्तांगों के नीचे रख लें। अब हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए अपने सिर को आगे की ओर झुकाएं। अब जितना कर सकते हैं उतना कीजिए दोस्तों। हाथों को यहाँ पर भी रख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से भी रख सकते हैं। कुछ देर रुकने के बाद पूर्व अवस्था में आ जाएं। अब इसी आसन को दूसरे पैर से भी करें, इस ओर से कर लेते हैं। और श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएं। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब तीसरा योगा वर्कआउट है वज्रोली आसना। वज्रोली आसन भी बेहद ही महत्वपूर्ण आसन है दोस्तों। इस आसन को करने से आपकी वीर्य की रक्षा होती है, आपकी पूरे सेक्स जो प्रणाली है, सेक्स की जो प्रणाली है उसकी रक्षा होती है और आपका शरीर भी हष्ट पुष्ट बनता है।
ये आपकी टाइमिंग को बढ़ाता है दोस्तों। तो फ्रेंड हलासन भी बेहद ही महत्वपूर्ण आसन है, आइए इसको करने का तरीका जान लेते हैं। और जरूरी आसन को करने के लिए इस तरह पोजीशन बना लें, और श्वास को छोड़ते हुए पैर को ऊपर उठा लें और इस तरह से पकड़ लें, इस स्थिति में आ जाएं। इस स्थिति में कुछ देर बने रहें और हाथों को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब चौथा योगा वर्कआउट है विपरीत करणी आसना। इसको विपरीत करणी मुद्रा भी कहा जाता है। ये आसन तो सेक्स को बेटर बनाने के लिए और भी महत्वपूर्ण आसन है दोस्तों, क्योंकि इस आसन को करने से आपके गुप्तांगों में रक्त की मात्रा में सिर्फ वृद्धि ही नहीं होती है, आपके गुप्तांगों को ये सिर्फ मजबूती प्रदान नहीं करता है, आपके सेक्स से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर हैं, समस्याएं हैं, उनको ये पूरी तरह ख़त्म करता है, आपकी यौवन की रक्षा करता है दोस्तों ये, जिसके कारण आपका सेक्स टाइमिंग बेटर बनता है, आपका सेक्स टाइमिंग बढ़ जाता है, आपकी सेक्स की सक्रियता बढ़ जाता है। तो फ्रेंड आइए इसको करने का तरीका जान लेते हैं। विपरीत करणी मुद्रा को करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं और अब दोनों पैर को इस तरह से ऊपर उठा लें और आगे ले जाने की प्रयास करें, इस तरह से शरीर को ऊपर उठा लें। अपने दोनों हथेलियों को नितंबों पर टिका दें दोस्तों, और पैरों को अपने आंखों के सीधे रखें, श्वास सामान्य रखें, कुछ देर तक इस आसन में बने रहें। आसन की टाइमिंग बढ़ाने की कोशिश करें दोस्तों, आप भी इसे दो बार या तीन बार कर सकते हैं, धीरे धीरे पूर्व अवस्था में वापस आ जाएं। अब सबसे अंतिम योगा वर्कआउट है मंडूकासन। मंडूकासन भी एक महत्वपूर्ण आसन है दोस्तों। इस आसन को करने से आपकी गुप्तांगों में एक संकुचन पैदा होता है, गुप्तांगों में रक्त की मात्रा में वृद्धि होने लगती है और वो अंग सबल और मजबूत बनते हैं। तो फ्रेंड एक तरह से ये आसन भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, इस आसन को भी जरूर करें। तो आइए इसको करने का तरीका जान लेते हैं। मंडूकासन को करने के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं, दोनों हथेली को मुट्ठी कर लें और अपने पेट में रखें, श्वासों को छोड़ते हुए आय की ओर झुकें, इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। अपनी सुविधा अनुसार दो या तीन बार इसे करें, ये रिपीट करके आप पूर्व अवस्था में वापस आ जाएं। मुट्ठियाँ खोल लें। ये पांच योगासन बेहद ही महत्वपूर्ण आसन है दोस्तों। अब सोचना बंद कीजिए और इन योगासनों को करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी के टाइमिंग में वृद्धि हो, सेक्स की सक्रियता बढ़ जाए और अपने सेक्स लाइफ में आप खुश रहें।
तो फ्रेंड मुझे भी सपोर्ट कर दीजिए। मेरा चैनल नया है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल वाले नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। आज के लिए बाय बाय, टाटा।